अभिनंदन करते हैं दोस्तों। अहमदाबाद में चल रही श्री देव क्रिकेट प्रतियोगिता RPL 5 आज के दिन का ये पहला सुपर हाई वोल्टेज मुकाबला शुरू होने जा रहा है। राजस्थान के ही नहीं पूरे इंडिया के जो सुपरस्टार माने जाते हैं वो सितारे पधार चुके हैं, स्पेशली आमिर सोहेल भाई, किंग अब्दुल्ला, अमित भाई जांगिड़, नीरज शर्मा और मेरा भाई अजीत कड़वासरा, एम्पायर नैनाराम जी, टाटा स्काई, सारी टीम तैयार है इस बड़े मुकाबले के लिए। और टॉस जीता है टीम कृष्णा क्लब ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। अरबुदा टीम फील्डिंग करने उतरी है। पूरे राजस्थान के जो सुपरस्टार सितारे हैं वो सभी पधार चुके हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपको बताऊं जो राजस्थान के स्टार आए हैं, वीरेंद्र जी डारा, सकील भाई किडोली, आमिर सोहेल भाई, इजाज मंडरेलिया, किंग अब्दुल्ला, सुरेंद्र गाजसर, नीरज शर्मा, नदीम भाई धनुरी, ये लीजिए दोस्तों आप सभी की जोरदार फरमाइश के बीच किंग ऑफ क्रिकेट नदीम भाई धनुरी पधार रहे हैं। नदीम भाई का हम दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नदीम भाई सबसे पहले तो आपको बर्थडे की बहुत बहुत बधाई, उसके बाद मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोलकाता से एक लंबा सफर तय करके आए हैं नदीम भाई, दर्शकों के लिए जरूर कुछ बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका आपका प्यार है, हमें यहाँ के लिए है। टूर्नामेंट पिछले 4 साल से हम खेल रहे हैं, 3 बार हम जीते हैं, चौथी बार आए हैं, तो आप लोग दुआ करना, चौथी बार भी हम जीते और बाकी आपका प्यार, आपका सपोर्ट है, हमेशा रहता है ताकि हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, ऐसे ही प्यार है ताकि यहाँ से हम फाइनल जीते। बिल्कुल नदीम भाई, हजारों लाखों दुआएं आपके साथ है। और अभी जो आपका सुपर हिट है कोलकाता ट्रिप चल रहा है उसके बारे में बताएं, कितने टूर्नामेंट आपने जीत लिए वहाँ पर? अभी वहाँ पे 2-3 टूर्नामेंट हम जीते हैं और 4 टूर्नामेंट हम फाइनल हार चुके हैं। वहाँ तो हर रोज टूर्नामेंट होते हैं, टूर्नामेंट होता रहता है, लेकिन कुल मिला के अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। आप लोग दुआ करो और अच्छी परफॉर्मेंस हो, इस सीजन लास्ट ईयर अच्छा गया था हमारा, ये साल भी अच्छा जाए। बिल्कुल नदीम भाई, हमारी दुआएं आपके साथ है, आप ऐसे ही खेलते रहें, हमारे राजस्थान का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू, और बातें होगी ऑन ग्राउंड। थैंक यू नदीम भाई, प्राइड ऑफ क्रिकेट, प्राइड ऑफ राजस्थान टेनिस क्रिकेट, नदीम भाई का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा मुकाबला बड़े स्तर पे शुरू होने जा रहा है। सभी भाइयों से निवेदन रहेगा इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे पहुंचाएं हर घर तक, हर मोबाइल तक। और राजस्थान के जो ब्रांडेड क्रिकेटर हैं उनके आज बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं, तो उनका लाइव आनंद लें हमारे इस फेसबुक पेज के माध्यम से। धन्यवाद सभी को। बिल्कुल नदीम भाई को सलाम जरूर बोलेंगे। नदीम भाई अभी कैमरा स्क्रीन पे ही थे। सभी भाइयों से निवेदन रहेगा जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाएं और शेयर करते रहें इस बड़े मुकाबले को। एक तरफ है अरबुदा क्रिकेट क्लब वर्सेज कृष्णा क्लब किशनपुर, किशनपुर टीम की तरफ से राजस्थान के जो सुपरस्टार हैं वो सभी खेलने के लिए बता रहे हैं। पीसीसी बोरावड का प्लेयर किंग अब्दुल्ला आया हुआ है आज। इमरान भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं बालिया से, स्वागत है इमरान अहमद खान साहब। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। सभी से निवेदन है कि शेयर जरूर करते रहें। कोलकाता के जो टूर्नामेंट चल रहे हैं वो अलग अलग चैनल पे लाइव होते हैं, एक चैनल फिक्स नहीं है। इसी बीच ओपनिंग जोड़ी के रूप में नदीम भाई धनुरी और सुरेंद्र गाजसर ग्राउंड की ओर प्रवेश करते हुए। जी हाँ, नदीम भाई की टीम बैटिंग कर रही है और ये लीजिए नदीम भाई पहुंच चुके हैं। पूरी आर्मी का यहाँ पे होल्डिंग हो रहा है, सीकेट गुरुग्राम का हार्दिक स्वागत करता है और हार्दिक स्वागत करता है श्रीदेव क्रिकेट प्रतियोगिता अहमदाबाद प्रदर्श दोनों और के साथ विनोद भाई साहब है, बहुत बढ़िया आयोजन करवाया है। क्या कहेंगे इस आयोजन के जबरदस्त फिर से रहते हैं राजस्थान टेनिस क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, आज जो प्लेयर आ रहे हैं वैसे तो मैंने सभी लिस्ट है, सभी प्लेयरों की लिस्ट अपने फेसबुक पेज पे शेयर की थी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं आज जो जो सितारे खेलने के लिए आए हैं उनके नाम, ये वो सितारे हैं जो अलग अलग टीमों से आए हैं। कृष्णा क्लब की तरफ से ये टीम लिस्ट है, वहीं DN क्लब की तरफ से ये सभी सितारे खेलने के लिए आए हुए हैं। इसके अलावा
बहुत लंबा तजुर्बा है और वैसे गुतन की काफी उम्र दराज अंपायरों में से एक है। एक और टीम की लिस्ट वो है महादेव क्लब की, तो आज के जो सितारे खेलने के लिए आए हैं उन सभी की लिस्ट मैंने पोस्ट भी कर दी है। इसके अलावा यहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये आज के सितारे खेलने के लिए आ चुके हैं, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी को। नदीम भाई ऑन द स्ट्राइक है, क्रिकेट रोज अपडेट हो रहा है, एक मिनट। धन्यवाद सभी भाइयों को। बोलने भाई बोलने जीतू गोस्वामी जीतू गोस्वामी आए हैं पहला ओवर लेके अर्बुदा टीम की तरफ से। जी हाँ, किंग अब्दुल्ला बैटिंग टीम में है। संपूर्ण राजस्थान टेनिस क्रिकेट की नजर इस टूर्नामेंट के ऊपर चलेगा। शंख बजा यहाँ पे तीसरे दिन का आगाज होने। जी हाँ, क्रिकेट रोज अपडेट हो रहा है, प्लीज एम्पायर से निवेदन है। क्रिकेट रोज पे आप इस नाम से सर्च कर लें, ये क्रिकेट रोज की साइट है। इसी कमाल का है, यादगार लम्हे है यहाँ के, प्रकृति का संशोक है, क्रिकेट का कारनामा है, इनामी राशि 1,01,111 रुपए रखी गई है, विजेता राशि। जी हाँ, सारी तैयारियां कंप्लीट, पहली गेंद फेंकी जा रही है, आज के दिन की शुभ शुरुआत होने जा रही है। तरुण पवार भी खेल रहे हैं। पहली गेंद खेलने जा रहे हैं आज की, गुड मॉर्निंग गेंद नदीम भाई के लिए, और इस गुड मॉर्निंग गेंद को वेरी गुड मॉर्निंग बोला है नदीम भाई ने, सीधा 4 रनों के लिए पहली गेंद पर ये गुड मॉर्निंग चौका आया है। वाह वाह नदीम भाई, आते ही शुभ शुरुआत कर दी है शानदार चौके के साथ। गुड मॉर्निंग गेंद को वेरी गुड मॉर्निंग चौका मिला सुपर स्टार नदीम भाई के बल्ले से। ये लीजिए दोस्तों, क्रिक हीरोज भी अपडेट हो चुका है, इस गेंद के बाद ओपन हो जाएगा। फिर से छोटी गेंद मिली है, यहाँ पे एक बड़ी गलती कर बैठे नदीम भाई, लेकिन किस्मत कोलकाता से अपने साथ लिखा के लाए हैं। मौका था लेकिन मौका गंवाया, ये मौका आप जान लेवा। धन्यवाद दोस्तों सभी भाइयों को, सबसे पहले तो मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब स्ट्राइक में है सुरेंद्र गाज सर, पहली गेंद खेलेंगे। इस प्रकार के छोटे फॉर्मेट में बात की जाए तो स्ट्राइक गेंद बहुत कमाल खेलेंगे, 250 की स्ट्राइक गेंद की। पहली गेंद यहाँ पे सूर्य ने भी एक गलत शॉट सिलेक्शन किया है, गलत शॉट सिलेक्शन, लेकिन अच्छा किस्मत कलेक्शन रहा सूर्य का, लगातार दो गेंदों में दो कैच ड्रॉप हुए हैं। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी भाइयों को। अहमदाबाद के ओड़ाव में स्थित दे गांव में ये टूर्नामेंट चल रहा है, आप जहाँ से भी लाइव देख रहे हैं उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी भाइयों को। 500 के पार हमारे लाइव दर्शकों की संख्या, आज नदीम भाई का दीदार करने के लिए पधारे हैं, नदीम भाई के साथ पूरे राजस्थान के जो सुपरस्टार सितारे खेलने के लिए आए हैं उनका दीदार करने के लिए। ये लीजिए, फिर से चला है नदीम का बल्ला, ये आया एक और नवाबी चौका, नदीम भाई के बल्ले से नवाबी चौका। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर जी सारण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बड़ा ब्रांड बड़ा साफ क्लब जोधपुर के कप्तान और स्पॉन्सर नदी, बहुत बहुत स्वागत है सुमेर जी आपका। स्कोर 10 रन हो चुका है, दूसरा चौका नदीम भाई के बल्ले से निकला है, दूसरा चौका निकला है नदीम हमारी के बल्ले से। और फिलहाल गेंदबाजी की बात की जाए तो गेंदबाजी जीतू गोस्वामी, इस बार पेट्रोल बॉल के संपर्क हुआ नहीं, ये अच्छी गेंद थी, वापसी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज जीतू गोस्वामी, पहली डॉट गेंद आज के दिन की। धन्यवाद मेरे भाई सुरेंद्र कमेडिया, दिल्ली पुलिस के जांबाज हमारे साथ जुड़े हैं, सभी भाइयों को मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
ये पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर से आए 10 रन, 8-8 ओवर का ही मुकाबला होना है। एक और 10 रन बिना कोई विकेट खोए। जी हाँ बिल्कुल रजाक भाई, आपके स्टार शकील भाई किडोली भी पधार चुके हैं यहाँ पर। मैंने पूरी जानकारी पोस्ट के माध्यम से दे दी है। आज जो भी सितारे खेलने के लिए आए हैं उन सबके नाम अनिल प्रजापत आए हैं जी। धन्यवाद सभी भाइयों को ज्यादा से ज्यादा अनिल ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए। अनिल परमार, ये खराब लाइन पे डाली गई गेंद, एम्पायर मानक मारवाड़ी ने अपनी बाहें फैलाई वाइड के लिए। पहला अतिरिक्त रन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर। जी हाँ पहला मैच किसी कारणवश नहीं हो पाया। पहले मैच की टीम अपने निर्धारित समय पे नहीं पहुंच पाने के कारण डिस्क्वालीफाई कर दी गई है। यहाँ पे छोटी गेंद मिली है और इस छोटी गेंद को मिली है 6 रनों की सजा। ये लीजिए गुड मॉर्निंग सिक्स आया है सूरी के बल्ले से। वाह भाई सूरी सूरी हो चुका है शुरू। शानदार शॉट सिलेक्शन। और इसी बीच लाइव में हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों, राजस्थान नाइट टूर्नामेंट का सबसे शानदार टूर्नामेंट मोमा सर नाइट टूर्नामेंट के मुख्य आयोजन करता मिस्टर हनुमान जी डबास। स्वागत है हनुमान जी। जी बिल्कुल सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। फिर से सूरी ने उड़ा दिया इस गेंद को और मैदान के बाहर पहुंचा दिया इस गेंद को। एक और शानदार सिक्स सजाए सुरेंद्र मिली इस गेंद को। वाह भाई वाह, लगातार दूसरा सिक्स आया है। एसपी बिश्नोई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीकानेर के सुपरस्टार एसपी बिश्नोई भाई का स्वागत है। सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इस बड़े मुकाबले का लाइव आनंद लेने के लिए। 700 के करीब हमारे लाइव दर्शकों की संख्या दोस्तों, ये संख्या जानी चाहिए हजारों में। दुर्गा राम जी चौधरी, राम राम सा, नरपत जी भिंजर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भिंजर साहब का। टीम बीसीसी बोरावड़ के स्टार थोड़ा सा बॉल का ध्यान देंगे क्योंकि आज बॉल का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहने वाला है। हाँ थोड़ी बड़ी बॉल के साथ भी तैयार होने वाला है। क्या हुआ इंडिया इस वक्त अपनी जिम्मेदारी पे खड़ा उतरे आप जी। धन्यवाद सभी को। ये तो शायद गेंद गवाऊ छक्का था, ये गेंद वापस नहीं मिलने वाली। तीन गेंदों में 13 रन बना चुके हैं सूरी। सूरी नहीं ये मीठी छुरी है। जी बिल्कुल, दूसरी गेंद प्रोवाइड करवा दी गई है। आज के सारे मैच सब बड़े ही हैं सुमेर जी। अगर फिर से सूरी ने कर दिया है एक और छुरी वार। सूरी हो चुका है शुरू। सूरी ने चलाई एक और छुरी, तीखी छुरी सीधा 6 रनों के लिए। वाह भाई सूरी, 6 रनों के लिए। बिल्कुल सूर्य अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं अभी। चार बल्लेबाज 4 स्टार आए हैं आज कोलकाता से, इसमें बड़ा नाम नदीम भाई धनुरी, आदिल भाई जाबासरिया, एजाज मंडरेलिया और शकील भाई किडोली। ये सभी सितारे कोलकाता से आए हैं बंगाल फतेह करके। फिर से सूर्य ने काफी तेज बल्ला घुमाया लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग।
रमेश जी गुरुजी नहीं खेल रहे हैं, इटली से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत सभी भाइयों का, आप जहां से भी लाइव देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार। फिर से सूरी ने उड़ा दिया इस गेंद को और मैदान के बाहर पहुंचा दिया है। एक और सूरी वाला हमला, सूरी नहीं मीठी छुरी, चूरू का शेर सूरी। इसी के साथ स्कोर 35 रन। आप इनको यहाँ पे डालने की गलती ना करी, बहुत बढ़िया लगाते सुरेंद्र सैनी। इससे एक और क्रॉस गेंद को स्विंग किया मिड विकेट के ऊपर से, बैट्समैन की तेवर देखी था, देखते देखते सुरेंद्र सैनी 25 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर कार्ड पे 6 गेंदों का सामना किया सैनी ने। आकर्षक बयान थी 35 रन टीम का स्कोर है विदाउट लॉस। फिर से सूर्य ने खेला इस गेंद को और एक बार फिर से पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। एक और शानदार चौका, आज इनसे बच के रहिएगा, इनके इरादे कुछ नेक नजर नहीं आ रहे हैं। पहले ओवर से 39 रन आए हैं, वाह भाई सूरी। सूरी ने यहाँ पे इस ओवर से 29 रन लूटे हैं। जी हाँ, गुंजन भाई का मैच आज ही है, नॉकआउट सिस्टम लागू है यहाँ पर। मैं आपको बता दूं, किशनपुर की दो टीमें थी, कृष्णा क्लब जूनियर वर्से और कृष्णा क्लब सीनियर। जूनियर टीम हार के बाहर हो चुकी है, सीनियर टीम खेल रही है। दो ओवर 39 पावर प्ले रहा पूरी तरह यहाँ पर टीम कृष्णा क्लब के नाम। फिलहाल बात की जाए सुरेंद्र सैनी की, 7 गेंदों का सामना किया है, व्यक्तिगत निजी स्कोर कार्ड पे कर रहे बल्लेबाज, इसमें 4 छक्के लगे इन्होंने और एक चौका। पावर प्ले का खेल समाप्ति की ओर है। सभी भाइयों को एक बार फिर से मैं मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और लोहड़ी पर्व की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी तरीके से खुल जाएगी, 2 किसी के 5 फील्ड रात को एक बाउंड रन की दिखेंगे। अब स्ट्राइक पे वापस शेरे राजस्थान नदीम भाई धनुरी, 5 गेंदों में 9 रन बना चुके हैं, 2 बाउंड्री आई है नदीम भाई के बल्ले से। छोटी चीजों की बदलत ये टूर्नामेंट शानदार एक अलग स्थान रखता है राजस्थान के अंदर। चलेगा चलते इनिंग्स के तीसरे ओवर में, फिलहाल एक बार फिर रुक किया जाए स्कोर कार्ड की तरफ। स्कोर कार्ड 39-39 विदाउट लॉस। छोटी गेंद मिली है और ये लीजिए, इस छोटी गेंद को बड़ी सजा मिली है, नवाबी छक्का नदीम भाई के बल्ले से और साथ में नो बॉल भी। जी हाँ, लेग साइड में नियमों के विरुद्ध 5 फील्डर थे और गेंदबाज भी लेग साइड से गेंदबाजी कर रहे थे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी कि बिना कोई गेंद फेंके 7 रन मिल चुके हैं और अगली गेंद भी होगी फ्री हिट। वाह भाई नदीम भाई, नवाबी छक्का नदीम भाई के बल्ले से। क्रीज को निराशा दी थी, बाज ने खोली सब डीप मिड विकेट के ऊपर से तो शानदार छक्का निकला नदीम धनुरी के बल्ले से। फिलहाल 46 रन टीम का स्कोर और अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। सभी भाइयों से निवेदन रहेगा, इस बड़े मुकाबले को पहुंचाएं हर घर तक, हर मोबाइल तक अपने शेयरिंग के माध्यम से। 850 के पार हमारे लाइव दर्शकों की संख्या, पहली बार इस टूर्नामेंट में। एक और गेंद कमाऊ छक्का आया है नदीम भाई के बल्ले से। बॉल बाहर जाती रहेगी, आप मुकाबला ना रोके, बॉल बाहर जाती रहेगी, वो बॉल वापस जैसे आती है बॉल। इस निविया गेंद से ये मैच खेला जा रहा है, रेड निविया। भरत जी ये बॉलिंग पर भेज दो ना, बार बार थैंक यू भाई साहब। फिर से गेंद को हवा में उछाला है, फ्री गेंद थी, 1 बाउंस 2 बाउंस 3 बाउंस और ये लीजिए एक और शानदार चौका। गेंद को रनिंग ट्रैक पे दौड़ा दिया है नदीम भाई ने सीधा 4 रनों के लिए। गजब की बल्लेबाजी हो रही है और 50 रनों की साझेदारी संपन्न हुई है
दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, वो भी मात्र 14 गेंदों में। मेरे भाई प्रकाश तिरोदा का बहुत बहुत स्वागत है। 900 के करीब हमारे लाइव दर्शकों की संख्या, दोस्तों शेयरिंग अभी भी कम पड़ रही है। नदीम भाई का मैच चल रहा है, फिर से नदीम भाई ने खेला इस गेंद को, टांग उठा के सीधा बाउंड्री के बाहर, एक और शानदार चौका। दोस्तों नदीम भाई के साथ आखिरी लाइव मैच हमने किया था खो नागोरियान में, और वहां पर भी धूम मचाई थी। जहां नदीम भाई ने पिछली बारी को विराम दिया था, वहीं से शुरुआत कर दी है, पहले खो नागोरियान और अब अहमदाबाद। जी धन्यवाद सभी भाइयों को, जहां से भी आप लाइव देख रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं। बड़ा मुकाबला है यारों, इसलिए सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं, उसके लिए सॉरी। मकर संक्रांति की और लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और ये लीजिए इस गेंद को मिलेगी शुभकामनाएं नदीम भाई के बल्ले से, एक और शानदार सिक्स। वाह भाई वाह, शेरे राजस्थान आन बान शान मिस्टर नदीम धनुरी। आसिफ भाई बलाना हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद आसिफ भाई। बात की जाए नदीम धनोरी की, इस वक्त देखते देखते नदीम धनोरी 9 गेंदों में 29 रन बना चुके। समीर शाह नदीम भाई हमारे राजस्थान के झुंझुनू जिले के धनोरी गांव से हैं, 29 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर कार्ड पे कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। राम राम सभी भाइयों को। 60 रन हो चुका है स्कोर, और यहाँ पे ये गेंद रेड बॉल मानी जाएगी, कुर्सी पे जाके लगी है गेंद, इस गेंद को बचाया कुर्सी ने। शायद वो पिछली गेंद वापस आ चुकी है। धन्यवाद सभी को, आप जहां से भी लाइव देख रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मात्र 9 गेंदों में 29 पे पहुंच चुके हैं नदीम भाई, और 7 गेंदों में 29 पे सूरी। शुरुआत यहां से, फिर से नदीम भाई ने उड़ा दिया इस गेंद को, वन बाउंस बाउंड्री के बाहर, शानदार चौका, नदीम स्टाइल चौका, नदीम भाई के बल्ले से आया नवाबी चौका। वाह भाई वाह। वैसे तो आज शनिवार है, लेकिन यहाँ पे नदीम वार चल रहा है। 64 रन टीम का स्कोर है। पांचवा चौका निकला है नदीम धनोरी। सुमेर जी अगले मैच की जानकारी मैंने पोस्ट के माध्यम से दी हुई है, एक बार प्लीज वो पोस्ट चेक करें। सामना करते हुए जिन्हें दीपू भाई लेफ्टी इस टूर्नामेंट में नहीं आए इस बार, दीपू भाई इस वक्त कोलकाता में खेल रहे हैं। नदीम भाई से बात हुई थी, नदीम भाई ने बताया कि दीपू भाई कोलकाता है। हर वर्ष ये क्रिकेट मेला लगता है इस अहमदाबाद के अंदर। 64 रन टीम का स्कोर इस बार, छोटी गेंद थी और उसे हल्के हाथों से खेला ऑफसाइड में, देखते हैं कहां तक जाएगी ये। धीमी आउटफील्ड होने का फायदा जरूर मिलेगा, यहां पे 2 रन आसानी से पूरे कर लेंगे। जी नहीं, लोकेश मीणा भी नहीं आए हैं, लोकेश भाई भी इस वक्त कोलकाता है। यही तो खूबसूरती होती है ना क्रिकेट की। जी बिल्कुल, सभी भाइयों को मकर संक्रांति की और लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1000 के करीब लाइव दर्शकों की संख्या, फिर से छोटी गेंद मिली है और छोटी गेंद को मिलेगी सजाए फॉर, बढ़ चुका है स्कोर 70 रन, 3 ओवर 70 रन। इस वक्त इन दोनों बल्लेबाजों ने गेंदबाजों के नाक में दम करके रखा है, फिलहाल 70 रन टीम के स्कोर क्रिकेट का नुकसान थे। जिन्हें दीपू भाई लेफ्टी नहीं आए हैं, धनुरी के पास नया बास के हैं नदीम भाई, ऐसा बताया जा रहा है धर्मवीर जी द्वारा। राम राम साहब, बड़े भाई साहब, राधेश्याम जी गोड़। मैं सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस शेयरिंग के लिए। 1000 के करीब लाइव दर्शकों की संख्या पहली बार इस टूर्नामेंट में, 39 बना चुकी है और अब यहां से स्ट्राइक लेंगे सीरीज। हेलो 29 के व्यक्तिगत स्कोर पे कर रहे हैं। बात करें पिछले ओवर की, मनीष प्रसाद 31 रन में,
चौथा ओवर शुरू हुआ है, खराब गेंद के साथ और एक शानदार शॉट के साथ एक और शानदार चौका इस बार चली है सूरी की छुरी। आदिल भाई दावासरिया भी खेल रहे हैं, आदिल भाई अलग टीम में है। परेश भाई प्रजापत आए हैं गेंदबाजी अटैक पे और पहला अटैक कर दिया है सूरी ने। ये तो नो बॉल है, बहुत बड़ी धन्यवाद भाई साहब, जहाँ से भी आप मैच देख रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये फ्रीड गेंद थी और इस फ्रीड गेंद को खेला है एक रन के लिए जी। नहीं, नयूम सिसोदिया इस बार नहीं पहुंचे हैं, किंग अब्दुल्ला का यही मैच है। फिर से खराब गेंद मिली है और ये लीजिए इस खराब गेंद को सबसे बड़ी सजा मिली है नदीम भाई के बल्ले से, एक और नदीम वार सीधा 6 रनों के लिए। दोस्तों आज के मैचों की डिटेल मैंने पोस्ट के माध्यम से दी हुई है, प्लेयरों के नाम सहित एक बार पोस्ट चेक कर लें प्लीज। 13 गेंदों में 45 और यहाँ पे 14 गेंदों में 8 शतक। वाह भाई वाह, नदीम भाई के बल्ले से एक और नवाबी छक्का आया, एमएस धोनी के अंदाज में छक्के से अपना 8 शतक पूरा किया है, पहला 8 शतक इस टूर्नामेंट का, मात्र 14 गेंदों में 51 रन। कासिम भाई दुंगर का भी है बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ये लीजिए यूनुस खान भोजी साहब भी कनेक्टेड हो चुके हैं, इस बड़े मुकाबले का लाइव आनंद ले रहे हैं सुदर्शन गांव से। फिर से खेला है शूटिंग शॉट सीधा 6 रनों के लिए, नीचे बैठ के ऊपर भेज दिया गेंद को, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा यहाँ पर अरबुदा क्लब के लिए। मैच चल रहा है इस वक्त नदीम भाई और दर्शकों के बीच। धन्यवाद मुंबई से लाइव देखने के लिए बबलू भाई, बहुत बहुत आभार आपका पुष्कर से। पीडी जी प्रकाश जी धन्यवाद। इस बार वाइट बॉल, डॉट बॉल तो जा ही नहीं रही है यहाँ पर। इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच को फ्लाइट मोड पे कर रखा है, यानी कि केवल फ्लाइट उड़ रहे हैं यहाँ पे। अहमदाबाद का ये दूसरा एयरपोर्ट है समर्पण क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड, यहाँ पे हर गेंद पे फ्लाइट देखे जा सकते हैं। इस बार चकमा देने में कामयाब रहे गेंदबाज परेश भाई। सभी 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 97, यानी कि हर ओवर से लगभग 25 रन आ रहे हैं। मैच खेला जा रहा है अहमदाबाद शहर के ओडाओ के अंदर। भाई साहब आज के जो भी मैच हैं मैंने सारी जानकारी पोस्ट के माध्यम से दे दी है। जितेंद्र प्रजापत आए हैं गेंदबाज, जीतू नदीम भाई ने 8 शतक पूरा कर लिया है, अब स्ट्राइक पे रहेंगे सूरी। अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप पे डाली गई है गेंद और उसे 1 रन के लिए खेला जी। बिल्कुल नदीम भाई के साथ जो बल्लेबाजी कर रहे हैं सुरेंद्र, वो जांगीर समाज से हैं, चूरू जिले के गातसर गांव से हैं सुरेंद्र। धन्यवाद अभिषेक जी, सुरेश जी इस वक्त हमारे बीच में बहुत बड़ा इनका योगदान इस टूर्नामेंट को सफल दिशा की ओर आगे बढ़ाने के लिए। बस तैयार है नदीम भाई, फिर से गेंद को उठा दिया है, इस बार फील्डर मौजूद है और बाउंड्री से पहले रोक लेंगे, अच्छी फील्डिंग थी और 1 रन के साथ स्ट्राइक पे वापस सूर्य आ गए हैं। टूर्नामेंट अपने देखा में ना, 99 हो चुका स्कोर, लेकिन उससे पहले आपको आ जाएगा उसी रोड पे। फिर से सूरी ने उड़ा दिया है लेग स्टंप से गेंद को सीधा मैदान के बाहर, एक और शानदार सिक्स हवाई हमला, एक और फ्लाइट उड़ा, इस बार पायलट थे सूरी। ये लीजिए शतकीय साझेदारी भी हो चुकी है 105 रन। हमारी अतीत
का स्वागत किया एक छक्के के साथ सुरेंद्र सैनी ने। धन्यवाद। अच्छा सॉरी, माली हैं, माफ कीजिएगा, बिल्कुल सही बताया आपने, माली जमात से हैं। हनुमान जी सही बताया, सॉरी फिर से सूर्य ने उड़ा दिया है एक और शानदार चरणों के लिए। तारीफ भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आठ आठ ओवर का मैच है। क्या कहने इस ओवर के देखते देखते 47 रन के अपने व्यक्तिगत जी बिल्कुल बल्लेबाजी सुंदर से ने मात्र 13 खेलने का सामना किया इस ओवर में, जिसमें बात की जाए तो वैसे तो गुजरात का पतंग महोत्सव बहुत मशहूर है, लेकिन यहाँ पे इस गेंद को ही पतंग बना दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। और बीच में सुरेश जी के छोटे भाई साहब कमलेश जी भी स्वागत करना चाहेंगे आपका भी, आपकी अटूट प्यार है, आपकी अटूट मोहब्बत है। आठ आठ ओवर का मैच होना है, नहीं कर सकती है आपकी अटूट प्यार अटूट मोहब्बत जब अपने अभी भी एक लंबी बैटिंग लाइन बाकी है, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने मौका तक नहीं दिया है गेंदबाजों को। पांचवी ओवर की आखिरी गेंद, इस बार भी गेंद को हवा में उड़ाया है और यहाँ पे कैच ड्रॉप नदीम भाई को मिला है, जीवन दान लाइफ लाइन मिली यहाँ पे। और हमारे लाइव दर्शकों की संख्या पहली बार 1000 के पार पहुंच चुकी है और इन 1000 दर्शकों के बीच एक महत्वपूर्ण एडवर्टाइजमेंट हम जरूर दिखाने जा रहे हैं। समाप्ति तक स्कोर 113 रन 113 रन टीम का स्कोर। जी हाँ दोस्तों, SBN मोबाइल सर्विस, ऑल मोबाइल रिपेयरिंग हियर, अनिल भाई प्रजापत अहमदाबाद। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद से जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं एक बार जरूर आप विजिट करें। इस बार विकेट कीपर भी चुके और दो रन पूरे कर लेंगे। आज की जानकारी के अनुसार राजस्थान का सबसे स्वादिष्ट भोजन दाल बाटी, दाल बाटी फिर से उड़ा दिया इस गेंद को और पहुंचा दिया है मैदान के बाहर सीधा 6 रनों के लिए नदीम वार। वाह भाई वाह, शनिवार के दिन नदीम वार अपने टेवर में लगातार क्रॉस लेते जा रहे हैं और ये गेंद इतनी खराब थी नहीं, लो फुलटोस मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर क्रांति ला दी है इन दोनों बल्लेबाजों ने। 6 रनों के लिए फिर से गेंद को हवा में उड़ाया है, मैदान के बाहर पहुंचाया है सीधा 6 रनों के लिए। जी हाँ दोस्तों, संक्रांति के दिन आज नदीम भाई की क्रांति चल रही है यहाँ पर, क्रिकेट क्रांति। दिनेश सुमेर जी चौधरी की टीम नहीं है, पूनमचंद जी डबा, पूनमचंद जी जाखड़ हमारे साथ जुड़े हैं डबा से। ये दिशा इन गेंद व्हाइट बॉल का इशारा, मिली फुल टॉस गेंद और इस फुल टॉस गेंद को मिलेगा फुल पावर चौका। नहीं है किसी के पास मौका इस गेंद को रोकने का। बहुत बढ़िया बनाती है इनकी बल्लेबाजी को, 4 गेंदे हुई है। निसार भाई मंसूरी का मैच यहाँ पर नहीं है, RPL है, राजस्थान प्रीमियर लीग, सभी प्लेयर राजस्थान राज्य के होने अनिवार्य हैं। फिर से नदीम भाई ने उड़ा दिया इस गेंद को और पहुंचा दिया है आउट ऑफ स्टैंड सीधा 6 रनों के लिए। अब तो बस मैच चल रहा है दर्शकों के बीच और नदीम भाई के बीच। छक्का इस वक्त विकेट के ऊपर से निकलता हुआ, अब देखते देखते नदीम धनोरी, सूरी अभी अर्धशतक से 2 कदम दूर है लेकिन नदीम भाई शतक के करीब पहुंच चुके हैं। आज मौका है नदीम भाई के पास एक और शानदार शतक जड़ने का। 250 की स्ट्राइक रेट है, फिर अब देखिएगा आगे निकल के खेला, ग्राउंडेड शॉट है इस बार और ये भी पहुंच जाएगा बाउंड्री के बाहर एक और शानदार चौका। राम राम अजीत जी चौधरी। और दोस्तों अब 12 गेंदे बाकी, 142 राजस्थान टेनिस क्रिकेट में सबसे अधिक आर्थिक सहयोग देने वाले ब्रांडेड भामाशाह ग्रुप स्प्रिंटर्स परिवार का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद स्प्रिंटर्स परिवार, राजस्थान टेनिस क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में
विशेष रूप से आर्थिक सहयोग दिया है हमेशा और आगे भी देते रहेंगे। और साथ ही रेड्डी ब्रदर्स परिवार का भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद। हाथ आजमाते हुए के साथ और है गेंदबाजी में तब्दीली। ये दोनों ब्रांडेड ग्रुप यहाँ पे बल्ले का ऊपरी किनारा लगा है और केस तो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। राम राम साहब। मनोज कुमार चोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त कोलकाता से। एक और बड़ा नाम राजस्थान टेनिस क्रिकेट का बीसीसी के स्टार मनोज भाई चोयल का स्वागत है। इन्होंने बात की तो 15 गेंदों का सामना किया, छक्के और दो चौके लगे हैं। और ये लीजिए एक और शानदार शॉट सिलेक्शन नदीम भाई के बल्ले से। वन बाउंस टू बाउंस इस बार ग्राउंड के अंदर रोक लिया जाएगा, लेकिन दो रन लेने से कौन रोकेगा। अच्छी रनिंग, अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच। जी हाँ, जिस प्रकार से बल्लेबाजी रही नदीम धनोरी की पहला तीन डिजिट है 145 स्कोर हो चुका है और नदीम भाई है 87 पे मात्र 25 गेंदों में 87+6 रन, यानी कि अब स्कोर जा पहुंच जाए। अब नदीम भाई का स्कोर काउंट करेंगे 93, 26 गेंदों में 93। टीम का स्कोर 151 रन 41 गेंदों में और नदीम भाई कहीं आगे। इस बार शाहीन गेंद व्हाइट बॉल का इशारा, वो स्टंप से दूर जाके खेलना चाहते थे लेकिन कामयाबी मिली नहीं, हालांकि व्हाइट बॉल जरूर थी। ये फिर से लो बुलटोस गेंद मिली है, इसे भी हवा में उछाला है लेकिन ग्राउंड के अंदर रोक लिया जाएगा। ये अच्छी फील्डिंग इस बार। अच्छा मनोज कुमार चोयल साहब इथियोपिया से हमारे साथ जुड़े हैं। सॉरी, एक मनोज चोयल क्रिकेटर हैं, एक हमारे मनोज कुमार चोयल साहब हैं देगाना प्रधान साहब के भतीजे, तो अफ्रीकी देश इथियोपिया से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। काफी देर के बाद एक डॉट गेंद देखने को मिली है। दूसरा संस्करण था आरपीएल का, फिर विजेंद्र वर्मा सातवें ओवर की लास्ट गेंद, सूरी अपने अर्धशतक से एक कदम दूर और नदीम भाई शतक से 6 कदम दूर। ये लीजिए सूरी ने यहाँ पे शाही अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। वाह भाई सूरी, दूसरा अर्धशतक इस टूर्नामेंट का सूरी के बल्ले से मात्र 17 गेंदों में 55 रन, जिसमें 7 छक्के शामिल, यानी कि 50 रन तो केवल बाउंड्रियों से आए हैं। एक निकला था शतक विक्रम। 94 पे खेल रहे हैं नदीम भाई इस वक्त। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या नदीम भाई आज फिर से एक और चमत्कारिक शतक लगा पाएंगे या फिर गेंदबाज रोकने में कामयाब रहेंगे? क्या लगता है आपको, नदीम भाई शतक पूरा कर पाएंगे या नहीं? हालांकि मात्र 6 कदम ही चलना यहाँ से, मात्र एक छक्का अपने शतक से। जीतू गोस्वामी आए हैं वापस आखिरी ओवर लेके। छोटी गेंद और छोटी गेंद को उड़ा दिया है सीधा 6 रनों के लिए। और ये लीजिए एक और रॉयल शतक, जी हाँ शाही सेंचुरी नदीम भाई के वाले से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मात्र 28 गेंदों में 100 रन बनाए हैं सबसे तेज दर्रार नदीम भाई के बल्ले से। सुपर 86 के साथ शतक आया। जी बिल्कुल, आपके कमेंट बिल्कुल सही दिशा में हैं। हजारों लोगों के दिलों में राज है, इसीलिए इन्हें शेर राजस्थान कहा जाता है। एक शेर जंगल का राजा होता है और एक शेर क्रिकेट का राजा होता है और वो है नदीम भाई। छक्के के बाद शतक के बाद एक और शानदार सिक्स। वाह भाई वाह, इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। नदीम भाई को बधाइयां मिलनी शुरू हो चुकी है इस शतक पर। फिर से उड़ा दिया है और मैदान के बाहर पहुंचा दिया है। लगातार 3 गेंदों में 3 फ्लाइट उड़ाए हैं नदीम भाई ने। अब यहाँ पे दर्शकों की डिमांड बढ़ रही है 6 छक्कों की। 3 छक्के लगा चुके हैं नदीम भाई और कहते हैं ना मन लोभी मन लाल जी। यहाँ पे दर्शकों ने अपने मन में लोभ किया है कि नदीम भाई शतक बना लिया है तो 6 छक्के भी लगा सकते हैं। नदीम भाई ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। जी बिल्कुल, एक और हवाई हमला सीधा 6 रनों के लिए।
गई है रॉक स्टार। इस रॉक स्टार को रोक पाना असंभव। इस 2023 का ये पहला शतक है। 183 रन 3 स्कोर छक्के के साथ। इस बार फुल टॉस गेंद मिली है, बल्ले पे पूरी तरह आई नहीं लेकिन बाउंड्री से पहले नहीं रुकेगी। शानदार चौका, प्रॉपर विकेटिंग शॉट है। वाह भाई, नदीम पावर 122 रन बनाए हैं मात्र 32 गेंदों में। आखिरी गेंद बाकी, अब जाके कहीं राहत की सांस मिलेगी यहाँ पर गेंदबाजों को। अर्बुदा 11 के ये गेंदबाज ओपनिंग जोड़ी को भी नहीं तोड़ पाए। एक शतक और एक अर्ध शतक और साथ ही एक और शानदार चौका। वाह भाई वाह, सुपर डुपर हिट, सुपर पावर नदीम भाई। नदीम भाई के पास ले चलते हैं आपको। डीएनडी कलर वर्ड होगा से सहित। नदीम भाई बहुत 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 शुभकामनाएं हमारे लाइव टेलीकास्ट में। ये दूसरा मौका जब आपके बल्ले से एक सुपर हिट सेंचुरी निकली है। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी, मेरे चाहने वाले जो मेरे भाई बंधु हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, दिल से दुआएं देते हैं। मैं उनको ये 100 डेडिकेट करता हूँ। ऐसे ही आप लोग दुआ करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए ताकि मेरी अच्छी परफॉर्मेंस करके आप लोगों को एंटरटेनमेंट करता रहूँ। नदीम भाई, 8 ओवर का एक फॉर्मेट मिला था जब शुरुआत की आपने, तो क्या सोचा था कि आज 3 अंकों में जाएगा आपका स्कोर? नहीं नहीं, सोचता तो नहीं था। जब भी बैटिंग के लिए आता हूँ ऐसा रन के बारे में नहीं सोचता हूँ, बस ट्राई करता हूँ अपना 100% दूं और उसी पे फोकस किया। रन बनते गए, ऊपर वाले का शुक्र आप लोगों की दुआ है। ऐसी दुआ करते रहिए ताकि परफॉर्मेंस में करता। बिल्कुल नदीम भाई, हमारी दुआएं आपके साथ है और ऐसे ही आप बल्लेबाजी करते रहे। और इधर सुपरस्टार आमिर सोहेल भाई पतंग महोत्सव में पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। चलो ये प्रोग्राम भी लाइव दिखा देते हैं एक बार। एक मिनट दारा जी, इजाज मंडरेलिया और ये सोहेल भाई शतक में से 2 शतक है यहाँ पे पतंगबाजी का आनंद लेते हुए 126 रन नॉट आउट 33 गेंदों का सामना। मुझे तो उड़ानी नहीं आती भाई जान, आप भी उड़ा सकते हो, आप भी पायलट हो, चाहे बॉल हो चाहे पतंग हो। बातचीत करेंगे उनसे भी, जानेंगे उनसे कि क्या खास बात है, क्या लगाव है आपका इस राजस्थान प्रीमियर लीग से। वाकई 5 शतक निकले, मजा आ गया आज दर्शकों को, खूब एंटरटेनमेंट पारी खेली नदीम भाई ने। और ये हमारे स्थानीय दर्शक टीम कृष्णा कला बिशनपुर के सपोर्टर, एक अलग ही माहौल यहाँ पे, अलग ही मेला। सबसे पहले तो सभी भाइयों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज आपको शुभकामनाएं दी है नदीम भाई ने। नदीम भाई की बल्लेबाजी कैसी लगी? आप सबके फेवरेट प्लेयर कौन है? एक ही नाम, नदीम भाई। वाह भाई वाह, मेरी फेवरेट है। धन्यवाद, कैसे आप सबका ये प्यार बना रहे? जी बिल्कुल, सभी भाइयों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। अब कुछ महत्वपूर्ण एडवर्टाइजमेंट हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं। शुरुआत करते हैं बालाजी होटल, न्यू बालाजी, जहां पे हम सभी पूरे स्टाफ के साथ रुके हुए हैं। सभी क्रिकेटर, हमारे कमेंटेटर, स्कोरर सभी इसी होटल में रुके हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद न्यू बालाजी होटल ग्रुप का। इसके बाद मातेश्वरी सुपर गोल्ड चाय, हमारे मेड़ता का एक सबसे बड़ा ब्रांड, पवन भाई आचार्य द्वारा उपलब्ध ये मातेश्वरी सुपर गोल्ड चाय। और आरपीएल ट्रॉफी आता है ना, आपका योगदान भी बड़ा कमाल का रहता है। दारा जी आज किसी को भी मौका नहीं दिया इन दोनों सुपर स्टार सितारों ने। कदम बढ़ा लिया है राजस्थान प्रीमियर लीग के ऐतिहासिक आयोजन ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्ण भाई साहब, गुर्जर शकील भाई, किडोली आमिर, सोहेल भाई, दारा जी और
यंग स्टार इजाज मंडरेलिया किंग अब्दुल्ला, आज मौका नहीं मिला किंग को। अब्दुल्ला ने मेरे को बोला कि मैं फील्डिंग नहीं करूंगा, बैटिंग नहीं करूंगा। प्रैक्टिस सेशन में यहाँ पर आमिर सोहेल भाई और खेल दिया इस गेंद को ऑफसाइड में, आज मौका नहीं मिला। इजाज भाई मंडरेलिया यंगस्टर, एक होते हैं गैंगस्टर और एक होता है यंगस्टर। कोलकाता खेल के आ रहे हैं, इजाज का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। इजाज भाई कैसा रहा आपका कोलकाता ट्रिप? बढ़िया रहा। अरे ऐसे मोमेंट कैसे रहे? गोपाल गुर्जर और नर्मदा अमरी। थैंक यू इजाज भाई, वन रेड कर देना। वर्मा जी इस बार नहीं आए हैं, बिजी शेड्यूल होने के कारण विजेंद्र वर्मा नहीं पहुंचे हैं। अब दोस्तों हमें थोड़ी देर के लिए मौका मिला है तो क्यों ना हम स्वागत समारोह कर लें। सभी भाइयों को सबसे पहले मकर संक्रांति और लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब स्वागत समारोह में हम शुरुआत करते हैं। मिस्टर कमल साई जिन्हें विजेंद्र वर्मा नहीं आए हैं, मिस्टर सदाम अंसारी, इकबाल खान, कैलाश रावत, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे साथ लाइव कनेक्ट होने के लिए। जय माता जी की। साहब मिस्टर विनोद सिंह जी नोडिया, लट्टू महर, मोहम्मद अयूब, राइका जी, माइला, नूर खान एंटी, साजिद खान, भवेंद्र जी घोड़ेचा, धन्यवाद सभी भाइयों को। इमरान खान, चीता, बलराम, मुकेश केसरिया, इंदावड़, इकबाल खान। और दोस्तों एक बार स्क्रीन पे हम उस शख्सियत को जरूर दिखाएंगे जिन्होंने ये शानदार आयोजन करवाया है, मिस्टर पारस भाई गुज्जर, श्री नीमदेव स्क्राप के मालिक। राम राम सभी को। साजिद खान, कुटकपुरिया, मदन भाई, मुकेश जी, बलवीर रायका, बाबूलाल जी सांकला, रंजीत जावा मेरा भाई डांगावास गांव से, नूर खान एंटी। और दोस्तों इस बीच अब दूसरी पारी शुरू हो चुकी है तो समझ आएंगे आपसे, वापस एक बार मैच शुरू हो जाए फिर मौका मिला तो जरूर वापस स्वागत समारोह करेंगे। पहली गेंद और पहली गेंद पर पहली सफलता, सूर्य ने लपका शानदार कैच। स्कोर अपडेट होने से पहले ही पहला विकेट गिर चुका है। राम राम अशफाक जी, संजय जाट, मोहित भार्गव, सरवन पवार, उमर फारूक समेजा, पुखराज गुजर, रोहित भाई, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुरुआत हुई है विकेट के साथ। यहाँ पे हैट्रिक बनाने का मौका आया अजीत के पास, बहुत अच्छी गेंद थी। पहले ही ओवर से चमत्कारिक गेंदबाजी शुरू हो चुकी है। तारा जी प्लीज थोड़ा साइड में होना पड़ेगा आपको। तारा जी कैसी लगी आज नदीम भाई की पारी? ये साइन गेंद व्हाइट बॉल के साथ अकाउंट ओपन हुआ है,
राम राम शाह, पवन जी आचार्य मातेश्वरी सुपर गोल्ड चाय मेरता सिटी से हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। एक अच्छी गेंद, जोरदार अपील, एम्पायर के निर्णय की प्रतीक्षा और ये लीजिए एक और सफलता, एक ट्रिक नहीं तो ओवर हैट्रिक सही। लेकिन यहाँ पे बल्लेबाज ने कहा कि गेंद बल्ले को छूके नहीं निकली है, तो शकील भाई ने कहा ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं और वापस खेलने के लिए बुला लिया है। ये होती है अच्छी खेल भावना। फिर से एक बढ़िया गेंद, पहले ओवर की समाप्ति। अब गेंदबाजी अटैक पे आमिर सोहेल भाई, दो विकेट के नुकसान थे। चल रहा है राजस्थान प्रीमियर लीग है और राजस्थान प्रीमियर लीग का ये पांचवा आयोजन है। जबरदस्त कारनामा है खेल का, जबरदस्त कारनामा है खेल का, जिससे खेल का नजरिया खेल का इतना बड़ा। फाइनल कल खेला जाएगा नीमा राम जी, आयोजन करते हैं पारस जी गुर्जर ब्रदर्स, दोनों भाई साहब पारस जी गुर्जर और उनके साथ विनोद भाई साहब। और ये लीजिए यहाँ पे एक और सफलता, आमिर सोहेल भाई ने भी पहली गेंद पर चिड़िया उड़ा दी है। जी हाँ, स्टंप के ऊपर जो चिड़िया बैठी रहती है, बेल्स बेल्स नाम की चिड़िया को उड़ाया। नदीम भाई ने शतक बनाया था आज। भारी संख्या में दर्शक इस बड़े मुकाबले का लाइव आनंद ले रहे हैं, लाइव में भी और ऑन ग्राउंड भी। फाइनल दिन में खेला जाएगा, बहुत बड़े साहब के साथ को पहला मुकाबला, पहला मुकाबला होना था सामने ओलंपिया रेडिस की टीम आई रही, इसको भाई देवी जी की महादेव क्लब को ये है पहला मुकाबला। 192 रन के टारगेट का चेस कर रहे हैं अमित सोहेल, गेंदबाज देखते हैं वापस तैयार सोहेल भाई, गेंदबाजी अटैक पर सामना करेंगे संतु भाई। मेरा राम जी दबास, राम राम साह हमारे साथ कनेक्टेड हुए हैं मोमा सर गांव से। ये दिशाइन गेंद व्हाइट बॉल का इशारा, दूसरा रन भी एक्स्ट्रा के रूप में आया है। क्षेत्र में तो फाइनल मुकाबला मेरा सहायता लगी थी और इतने जोश से जुनून के साथ इस वक्त पांच संस्करण में फिर से गलत शॉट सिलेक्शन हुआ है, अजीत नीचे हैं और ये लीजिए एक और शानदार सफलता। चौथा विकेट एक और अच्छी गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा इस बार भी। राजू पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजू भाई पटेल होटल न्यू बालाजी से स्वागत है राजू भाई पटेल का। इस गेंद के बाद वो महत्वपूर्ण एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा। यहाँ पे एक और डॉट गेंद। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे पूरी टीमें और पूरी आयोजन समिति रुकी हुई है, होटल न्यू बालाजी निकोल ओडाओ एसपी रिंग रोड के पास रहने खाने ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। बिल्कुल पवन भाई, इस गेंद के बाद
और इसी के साथ ये पावर प्ले हुआ समाप्त। जी नहीं महेंद्र जी, ये अहमदाबाद में टूर्नामेंट चल रहा है, यहाँ पे मेरे गांव की टीम खेलने नहीं आई है। इसी एक और इम्पोर्टेंट एड जरूर देखें आप, असली का मतलब पवन भाई आचार्य की नंबर वन चाय मातेश्वरी सुपर गोल्ड चाय, जिसमें है आसाम के बागानों की महक, जरूर इस्तेमाल करें और अपनी मॉर्निंग को बनाएं वेरी गुड मॉर्निंग मातेश्वरी चाय के साथ। थैंक यू मिस्टर पवन जी आचार्य, गोसीवाड़ा कचेरी रोड मेड़ता सिटी। नैनाराम जी इस वक्त एम्पायरिंग कर रहे हैं। और ये लीजिए, यहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ है। अजीत भाई नाखुश नजर आए यहाँ पर। फाइनल प्राइज 1,01,111 रुपए। नदीम भाई ने शतक बनाया था आज। और इस वक्त हमारे गांव डांगावास से टीम महादेव क्लब के कैप्टन कूल ओमजी कमेडिया, टीम के कोच हुक्मा बड़ा जी, टीम 0004 से सीआर डांगा और पेंटर एसोसिएशन से पप्पू भाई, ये सभी मैच देख रहे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद बड़ा जी, आपने अपनी कोचिंग में टीम को 2 बार चैंपियन बनाया है, इंदावर और गेमलेवास में, और अच्छी कप्तानी ओम जी कमेडिया द्वारा। और ये लीजिए, यहाँ पे मिलेगी सफलता। परेश भाई भी आउट होके बाहर। बहुत अच्छा कैच शकील भाई गिडोली। और यहाँ पे हंसी मजाक चल रही है। नदीम भाई का स्कोर इस ओवर की 2 गेंदें पूरी होने के बाद स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। बैट्समैन का नेम, बैट्समैन नेम सुरेश जी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और यहाँ पे गेंद का हॉर्न उछाला है, सूरी नीचे है। और ये लीजिए एक और सफलता अजीत भाई कड़वासरा को, यहाँ पे 5वीं सफलता मिली है AK-47 अजीत कड़वासरा। और दोस्तों लाइव में हमारे साथ मोनू भाई कनेक्टेड हो चुके हैं, मोनू भाजी ने सबको बधाइयां दी है। नदीम भाई, मोनू सरदार भाई ने आपको बधाई भेजी है। मोनू भैया बहुत बहुत बधाई आपको भी, अपने आपको आपने हमें शुभकामनाएं दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिस्टर मोनू बाजी, मोनू सरदार भाई हमारे साथ हैं। हमेशा आबाद रहो, ऐसे ही परफॉर्मेंस करते रहो क्रिकेट की इस राजस्थान की रण में, ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद नदीम भाई। जीतू भाई नाम नदीम भाई बता रहे हैं, पिछले 1 महीने से बंगाल में रहने के कारण बंगाली सीख गए हैं। खोल दो। एक और अच्छी गेंद। ईर्षा हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं, स्वागत है ईर्षा। 3 ओवर की समाप्ति हुई है, 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर मात्र 8 रन 6 विकेट गिरने के बाद। 3 ओवर 6 विकेट। अच्छा नदीम भाई ने, सॉरी अजीत भाई ने 4 विकेट लिए हैं। बढ़िया गेंद, गोपाल जी गुज्जर इस वक्त विकेट कीपिंग कर रहे हैं। कल कमेंट के माध्यम से सपोर्ट कर रहे थे सभी साथियों को।
नदीम भाई का स्कोर आप मैं क्रिक रोज की साइड दिखा देता हूँ, यहाँ से पता करें। शतक तो लगाया था, 122 रन बनाए थे शायद। एक और बढ़िया गेंद, चौथा ओवर चल रहा है। थैंक यू सभी खान भाई जोधपुर से। और इसी बीच एक और सफलता मिली है आमिर सहेल भाई को, बल्ले का निचला किनारा लेके गेंद जा लगी ऑफ स्टंप पे और ये आठवां विकेट गिरा, सातवां विकेट गिरा। आकाश प्रजापत आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ब्यावर के स्टार भी आ चुके हैं, यूनिक इमरान भाई, काना सिंह रावत, यहाँ पे बढ़िया फील्डिंग नीरज शर्मा के द्वारा। नीरज शर्मा सिंगल के साथ चार ओवर की समाप्ति, स्कोर 9 रन, 7 विकेट के नुकसान के बाद। अब गेंदबाजी अटैक पे आए हैं किंग अब्दुल्ला, रन है 7 विकेट के नुकसान पे। 24 सेकंड का खेल समाप्त होता है, से 4 विकेट है जीत कड़वासरा के नाम 3 ने आमिर सहेल के नाम में। यहाँ से किंग अब्दुल्ला करेंगे गेंदबाजी इनिंग्स के 5 ओवर में। नागौर क्षेत्र का एक बहुत बड़ा नाम किंग अब्दुल्ला, इनिंग्स के 5 ओवर में बल्लेबाजी में मौका नहीं मिला किंग अब्दुल्ला को। और अब यहाँ पे गेंदबाजी पे हाथ आजमाते हुए पहली गेंद और पहली गेंद पर सफलता, वाह भाई वाह। सुपर डुपर हिट गेंदबाजी, नदीम भाई धनुरी को अमित फोगाट की तरफ से शुभकामनाएं आए हैं। अरे यार सोरा ने क्यों अगर मैं तो 14 ने खेला मैं टीम ही कोई नहीं, हमें तो खिलाना पड़े। अपने वाले नहीं, अल्लाह ने खेल को तेरा कर लेकिन नहीं बोला हम 14 को खेले, हमारा रजा रखती है ये टीम छुट्टी देती है। तो फिर आज के जो सब टफ मैच ही है किसको दे देंगे? आप सारे मैच अच्छे हो, हाँ आप सब टफ प्रदेश बता दिया ना, ना पसीना हो गया सब अच्छे। यहाँ पे रन भी शाम को टाइम ज्यादा बनाई है, ये गिल्ली होती है दोपहर में। यहाँ पे एक और शानदार कैच इजाज मंडरेला के द्वारा, बीच में बकरी भाई साहब है। अरे अब लास्ट जोड़ी मैदान में, लास्ट जोड़ी है अंतिम समय निकाला और आप उनके हमारे बीच में, इसीलिए तो कहा जाता है कि जबरदस्ती का अपना खेल था, इसे बदलता है खेल। बड़े भाई साहब रामेश्वर जी बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हैं जीआरपी मेड़ता रोड से, हेड कांस्टेबल साहब स्वागत है बड़े भाई साहब रामेश्वर जी का, और बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी भाई साहब। ये टूर्नामेंट अहमदाबाद शहर में खेला जा रहा है आरपीएल, लास्ट जोड़ी मैदान में 10 रन पे 9 विकेट। सही कहे कि हमारे इस क्रिकेट टूर्नामेंट में लोग दिन बुलाए आते हैं, और यहाँ पे हमारे टूर्नामेंट में गेंद को हवा में उछाला क्योंकि स्वागत पार्टी है। और फिलहाल आज दूसरा दिन है दोस्तों, यहाँ पे एसकेडी टीम यदि ठीक है अगला मुकाबला होने वाला है उनका, तो टीम जीत जाती है तो सूरज जी अच्छी विकेट कीपिंग लेकिन सुरक्षित क्रीज में बल्लेबाज
राम किशोर जी सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमित खींचड़ की तरफ से राम राम आए हैं नदीम भाई धनुरी को। हवा में है और इस बार शायद जिन्हें बाउंड्री तो नहीं जाएगी। पूरा कर लेंगे अभ्यास के बाद अर्बुद 11 टीम की आखिरी उम्मीद है। प्लीज शहीद भगत सिंह टीम कप्तान है। ये नदीम भाई का मैच चल रहा है। डिसीजन जहाँ कहीं भी है शहीद भगत शहीद भगत टीम कप्तान ने नदीम भाई साहब डिसीजन बताए आप तुरंत प्रभाव से। गेंदबाजी व्हाइट बॉल का इशारा गेंदबाजी चले वैसे वैसे यहाँ पे डिसीजन आया है शहीद भगत सिंह राम राम दिलीप जी दैया के बॉस बने हैं। दोस्त जीता की गेंदबाजी करने का फैसला तो टीएनटी छठा और चल रहा अभी यहाँ पे जैसे ही मुकाबला समाप्त हुआ शहीद भगत सिंह तुरंत प्रभाव से मैदान के अंदर प्रवेश करे आप है प्ले स्कोर के साथ है। और उससे पहले आप स्कोर से भी मिल ले एक बार हमारे ही ऑनलाइन स्कोर नो बॉल का इशारा थोड़ा मुहाना कर दो उनकी तरफ फिलहाल रुक किया है इस मुकाबले की तरफ तो अद्भुत टीम ने 9 विकेट दे चुके हैं। आखिरी जोड़ी आखिरी उम्मीद यहाँ पे आज मित्र को कायम होते नदीम धनोरी बात की जाए इस टूर्नामेंट का 5वां शतक है शतक वीर बने आज नदीम धनोरी। इस टूर्नामेंट में बात की जाए तो अब तक जो 5 शतक लगे हैं उन 5 शतक में से 2 शतक है नदीम धनोरी के नाम है। ये जबरदस्त कारनामा है और इसलिए कहते नदीम धनोरी का बहुत लगाव है इस टूर्नामेंट के अंदर। आज से बात हुई तो बता कि अब तक मैंने 5 टूर्नामेंट खेले हैं आई थिंक 3 खेले हैं 3 टूर्नामेंट एक भी टूर्नामेंट में हारे नहीं है मतलब ट्रॉफी। ये आज के मैचों का शेड्यूल ये गजब का संजोग है इसे कहते बहुत सारी यादें हैं आज के इसे समय जरूर परिवर्तन हुआ है। बंगाल में पर यहाँ अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाते हैं और जब भी आरपी में खेलने आए हैं ट्रॉफी लेके गए हैं और एक बार फिर एक नए जोश और जुनून के साथ इस वक्त पहले मुकाबले में हाँ इस बार गेंद बल्ले पे आई है और शायद पहला चौका जी हाँ पहली बाउंड्री आई है अनिल प्रजापत के बल्ले से। 6 ओवर की समाप्ति स्कोर 19 रन। इस बीच से अब यहाँ से बात की जाए जिक्र की जाए और क्यों ना करे जिक्र यहाँ पे गेंदबाज अटैक पे एक और नॉन रेगुलर गेंदबाज दारा जी बहुत बड़ा घसा रखती है। जब टूर्नामेंट की शुरुआत हुई तो पहली ट्रॉफी गई थी ईसनपुर टीम के नाम है। यहाँ पे दारा जी की गेंद को उठा के खेला है जी हाँ बिल्कुल। ये गेंदबाजों का एक ट्रायल चल रहा है जो नॉन रेगुलर गेंदबाज हैं उनको यहाँ पे आजमाया जा रहा है। फिर वो चौथी ट्रॉफी महादेव टीम के कप्तान बढ़िया गेंद यही देखा है नदीम भाई ने 122 रन बनाए थे। गजब का संजुक देखिएगा पारस सिंह गुर्जर टूर्नामेंट का आयोजन करता है। देखिएगा आप किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म में जाते हैं आपको एक सफल आयोजन करवाना है आपको एक अटूट खड़ा रहना पड़ेगा दीवार की तरह। इस बार उनकी कोई भी टीम नहीं है निष्पक्ष यहाँ पे इस टूर्नामेंट को फिर से एक अच्छी गेंद दिशा की आगे बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष निष्पक्ष यहाँ पे उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्या बात है धर्मासी बार भाई बिल्कुल बहुत थोड़ी यहाँ पे टूर्नामेंट में 11,000 रूपए की धर्मासी बारवाल की ओर से एक सहयोग राशि इस टूर्नामेंट के अंतर्गत है। इसलिए तो कहा जाता है कि मीठी बातें कहता है कि मीठी बातें और चेहरे पर मुस्कान यही लोग ही हमारे टूर्नामेंट की सामने बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आभार आपका अति प्यार मोहब्बत आप इसी तरह बने रहे आरपीएल की तरह और आपका योगदान रहेगा नीचे पड़े नीचे प्रकार के बड़े टूर्नामेंट देखने को मिलेंगे। यहाँ फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपीएल 5 के 5 संस्करण में 11,000 रूपए की कैच वाउचर राशि सहयोग दिया गया है। ऑल आउट नहीं होना है बस रोक रहा तो ड्रॉ बस ये अच्छा शॉट खेला ऑफ साइड की तरफ
और जो भी निभा बाउंड्री से पहले रोक लिया जाएगा। परंपरा आ रही है या थी देर में फसल, सबका स्वागत हम करेंगे और कल करेंगे सबका स्वागत है। आखिरी दिन रहेगा टूर्नामेंट का दाल बाटी, राजस्थान का स्वादिष्ट भोजन है दाल बाटी। विजिट करें आप एंट्री गेट हल्का सा बाई तरफ या दाई तरफ है, वहाँ पे कैंटीन बना हुआ है। तारा जी की आज बारी नहीं आई, ओपनिंग बल्लेबाज आए थे नदीम भाई धनुरी और सुरेंद्र गातसर, दोनों ने मौका ही नहीं दिया किसी को। एक 191 रन बना के नाबाद गई थी ये जोड़ी। अब दो गेंदे बाकी इस मैच की और कुछ नहीं बचा है और एक बड़े अंतराल से ये मुकाबला अपने नाम करने जा रही है टीम कृष्णा क्लब। ये बहुत बढ़िया शॉट सिलेक्शन है, पहला छक्का इस बारी का। अगले मुकाबले के लिए तैयार रहे साकिर भाई, अजमेर का मैच आज ही है। और ये लीजिए, इसके साथ ये पहली बार ये मैच हुआ समाप्त। सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है टीम कृष्णा क्लब, 159 रनों के एक बड़े अंतराल से ये मुकाबला जीता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों एक बार इस लाइव प्रसारण को यहीं विराम देंगे और अगला मुकाबला लेके आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद। मार दूंगा मुकाबला मजा ना आ रहा।